वेलकम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं कुकनोलॉजी। चीज़ पराठा की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में 1.5 कप मैदा और 1 कप चक्की का आटा और 1/2 चाय का चम्मच नमक डाला, मिक्स किया। 1/2 कप तकरीबन पानी जाएगा जो मैंने नीम गरम कर लिया। इसको थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे तरीके से आटा गूंद लूँगी। 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया। और बस थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अच्छा सा आटा गूंद लेना। थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा के कवर करके 1/2 घंटे के लिए आटे को छोड़ देना। 1/2 घंटे के बाद सेट होगा, फिर हम इसके बनाएंगे पराठे। आधा घंटा हो गया है, आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। एक छोटा पेड़ा लिया, इसको बिल्कुल बारीक बेल लिया। अब इसके ऊपर लगाया मैंने बटर, आप घी भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से एक साइड से फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से। अब इसके ऊपर मैंने चीज़ ऐड की। इस तरह से एक साइड से फोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से। चीज़ बिल्कुल बाहर नहीं आनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया मीडियम फ्लेम पे, हल्की आंच पे। आहिस्ता आहिस्ता इसको सेक सेक के पराठे को पकाएंगे। बहुत ब्रश की मदद से घी लगा के मैंने इसको पलट दिया। अब दबा के आहिस्ता आहिस्ता इसको सेक सेक के बस इसी तरह से पलट के सेकते रहना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा पराठा रेडी हो गया। फुल स्टीम भर चुकी है इसलिए मैं प्रेस कर कर के उसको सेक रही हूँ। चलें जी, पराठा रेडी हो चुका है। देखें माशाल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।